ओके तो आज की इस वीडियो में हम ट्विटर बॉट बनाएंगे जिसकी मदद से आप ट्वीट कर सकेंगे और किसी भी यूजर के लास्ट 20 फॉलोवर्स चेक कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ट्विटर डेवलपर अकाउंट बनाना होगा। ट्विटर डेवलपर अकाउंट बनाने के लिए हम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे developer.twitter.com, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे twitter.com और इस फर्स्ट लिंक पर हम इसको क्लिक कर देंगे और इसमें सबसे नीचे जाएंगे स्क्रोल डाउन करके और नीचे आना है। अभी यहाँ पर आपको ये देखिए रेडी टू बिल्ड व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर अप्लाई वाले पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर अ डेवलपर अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डालना होगा ट्विटर का, तो मैं अपना लॉगिन आईडी डाल देता हूँ और इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपका पासवर्ड हो ट्विटर का आप उसे यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर अकेडमिक पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट पे करने के बाद गेट स्टार्ट कर देंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है आपकी, आप नीचे देखोगे तो आपको ये चार इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको इस पर यस करना है और नो एक्सपीरियंस है आपका। यहाँ पर अपनी कंट्री सेट कर देंगे और अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मेरा नाम हिमांशु शर्मा है तो मैं ये लिख दूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ट्विटर आपसे पूछेगा आप ये ट्विटर API का यूज़ क्या क्यों करना चाहते हैं, तो आपको वो बताना है। जैसे मैं लिखता हूँ आई एम गोइंग टू यूज़ ट्विटर डेवलपर अकाउंट फॉर लर्निंग एंड अपस्किलिंग, आई वुड लाइक टू यूज़ इट टुगेदर विथ सम पॉपुलर NLP लाइब्रेरीज सच एज टेक्स्ट ब्लॉक इन ऑर्डर टू बिल्ड माई पर्सनल project that I can showcase in my next coding interview, ठीक है। आप चाहें तो सेम टू सेम यही लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये आपको ये ऊपर वाला रीट्वीट वाला इसको रजिस्टर रखना है और इसमें लिखना है प्लान यूज ऑफ दिस फीचर, आप मतलब क्या प्लान करते हैं इन फीचरों को यूज़ करने का। तो आपको लिखना है येस आई वुड लाइक टू डाउनलोड 10 रियल टाइम ट्वीट रिलेटिंग टू माई चूजन कीवर्ड सो डैट आई कैन अंडरस्टैंड द sentiment that people have towards that thing at the moment, ठीक है। आप बिल्कुल यही लिख सकते हैं, ये सब लिखेंगे, बाकी आप इसमें देखते रहना जो मैं कर रहा हूँ वही करना, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना और ये डेवलपर एग्रीमेंट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद आपके जो मेल आईडी है रजिस्टर्ड उस पर इस टाइप का मेल आ गया होगा, ये मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर यहाँ पर कन्फर्म योर ईमेल पे क्लिक कर देंगे और आपका डेवलपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर नीचे दे रखा है एड ऐप, तो आप सबसे पहले एक ऐप बना लेते हैं। मैं जैसे इसका नाम रखता हूँ Python, ठीक है। ये इसको आप यहाँ पर ऐप सेटिंग में जाएंगे और ये सब आप देख चुके हैं। आप सीधे हम आते हैं अपने कोडिंग पार्ट पर, जैसे मैंने PyCharm ओपन कर लिया है। PyCharm ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा ट्विटर, ठीक है। क्रिएट कर लिया, ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, बस कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर देते हैं पूरा। अब यहाँ पर एक लाइब्रेरी है पिप इंस्टॉल ट्विपी, ये इस लाइब्रेरी को कॉपी करेंगे और इसे टर्मिनल में जाकर पेस्ट कर देंगे, इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और मैं इस लाइब्रेरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, आप लिखते हैं इम्पोर्ट ट्विपी। अब आप नोट पैड ओपन कर लेना और उसी पेज पर जाएंगे हम, ये कुछ मैं लिख रहा हूँ कंज्यूमर की इज इक्वल टू एंड कंज्यूमर सीक्रेट इज इक्वल टू एक्सेस टोकन इज इक्वल टू एक्सेस टोकन सीक्रेट। आपको दिक्कत नहीं लेना, सब चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। अपने फिर से डेवलपर अकाउंट में जाएंगे और उसी ऐप में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है API की एंड सीक्रेट, इस पर जनरेट पे क्लिक करेंगे येस जनरेट। इन दोनों की को हम कॉपी करके अपने नोट पैड पे जहाँ हमने लिखा था वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने ये कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर सीक्रेट की को करा कॉपी और इसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और येस आई सेव्ड दैम, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अगर ऊपर से कर्सल कट कर देंगे तो बेकार हो जाएगा। आपको एक्सेस टोकन कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये एक्सेस टोकन सीक्रेट इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। येस आई सेव्ड दैम,
पर क्लिक करेंगे हम, और इसके बाद फिर वापस यहाँ पर आएंगे अपने कोडिंग पार्ट पर। इन सभी को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारे को ये कॉलन लगाना पड़ेगा तो इनके अंदर हमें ये लेना होता है जब ये एक्सेस करते हैं पाइथन में, तो इस तरीके से इन सब जगह के इन सभी के आगे हम ये लगा देंगे कॉलन, ठीक है। बस इसके बाद अब हम लिखेंगे auth इज इक्वल टू, हमने वेरिएबल बनाया auth इज इक्वल टू टीपी डॉट ओ auth हैंडलर, ठीक है। और इसके बाद इसमें लिखेंगे कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट, ठीक है। या इसके आगे स्पेस दे देते हैं सबके आगे। अब उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर auth डॉट सेट एक्सेस टोकन, हम लिखेंगे अब टोकन के बारे में एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन सीक्रेट, ठीक है। ये दोनों हमारा यहाँ पर काम हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि ये ऑथराइज हुआ या नहीं, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक API वेरिएबल बनाया हमने टीपी डॉट API auth, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राई फंक्शन का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि ये ऑथराइज हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई क्रीडेंशियल, प्रिंट कर देते हैं ऑथेंटिकेशन ओके, ठीक है। और अगर ऑथेंटिकेशन ओके नहीं होता है तो क्या करेगा, यहाँ पर हमारा प्रिंट कर देंगे एरर ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, रन करते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं हमारा ऑथेंटिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो ऑथेंटिकेशन ओके यानी कि API ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब लिखेंगे API डॉट अपडेट स्टेटस, यानी कि मैं अपना एक ट्वीट कर रहा हूँ हेलो एवरीवन इस नाम से, मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखा देता हूँ जिस पर मैंने ट्विटर कर रखा है। सॉरी, इससे पहले मेरे को आपको ये करना होगा, यहाँ पर परमिशन देनी होगी रीड राइट एंड डायरेक्ट मैसेज, इसकी परमिशन हम यहाँ पर दे देंगे। अब मैं आपको अपना फ़ोन स्क्रीन दिखा देता हूँ, रन कर दिया हमने। अब रन करने के बाद ये देखिए ये ट्वीट हो चुका है। आप एक बात सोचिए, अगर हम फोटो के साथ, मतलब हम फोटो भी सेंड करना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं फोटो के साथ, तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने ट्वीट में लिखा ऐश्वर्या राय, यानी वो डिस्क्रिप्शन होगा ट्वीट का जो हम ऊपर टाइटल में लिखते हैं ना वो। अब ये फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐश्वर्या राय की फोटो है, इसको हम ट्वीट करेंगे, इसको प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसके जो पथ है इसको कॉपी कर लेते हैं। पथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और /photo.png, क्योंकि ये png फाइल है और फोटो इस फाइल का नाम है। जहाँ सिंगल स्लैश लग रहा है वहाँ /" लगा देंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटस इज इक्वल टू API डॉट अपडेट विद मीडिया, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे photo/tweet, जो ट्वीट वाला ऊपर वेरिएबल बनाया था ऐश्वर्या राय, जिस पर लिखा है। अब करेंगे API डॉट अपडेट स्टेटस, स्टेटस इज इक्वल टू ट्वीट ट्वीट। अब मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ फोन की, रन किया हमने, ये देखिए, रेफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखिए हमारा ऐश्वर्या राय के साथ फोटो जो है वो, ये देखिए ऐश्वर्या राय जो था हमारा डिस्क्रिप्शन था वो भी आ गया और फोटो भी हमारी आ गई है, ठीक है। अब आगे हम इसको पहले कमेंट में कर देते हैं पूरे को। अब हम चेक करेंगे कि लास्ट 20 फॉलोवर किसी भी यूजर के, तो इसके लिए हम लिखेंगे यूजर इज इक्वल टू API डॉट गेट यूजर, यूजर नाम का वेरिएबल बनाया हमने, और उसके बाद लिखा प्रिंट यूजर डिटेल, हम यूजर की डिटेल को प्रिंट करेंगे, यूजर नेम प्रिंट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट करेंगे और लोकेशन प्रिंट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे लास्ट 20 फॉलोवर उस यूजर के कौन से हैं, इसके लिए हम फोर लूप चलाएंगे, फोर फॉलोवर इन यूजर डॉट फॉलोवर, प्रिंट कर देंगे फॉलोवर डॉट नेम, फॉलोवर का नाम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको यूजर नेम लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप अरविंद केजरीवाल जी का ये ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो इनका यूजर नेम है, नाम नहीं लिखना हमें, यूजर नेम लिखना है, इसको कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखिए आप ऊपर इसको देखेंगे तो ये देखिए नाम अरविंद केजरीवाल है और ये इनका पूरा टाइटल है सब इंसान बराबर होते हैं। इसके बाद इंडिया से हैं ये, इनके 20 फॉलोवर आप इसमें जाके लिस्ट में चेक कर सकते हैं, मनु चौधरी, ये सब इनके लास्ट 20 फॉलोवर्स हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पाइथन से रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो ये लेफ्ट वाली जो प्लेलिस्ट है आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।